हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट एंड टेक ज्ञान में। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि जिनके पास डिजिटल वेलबींग नहीं होता वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये पसंद ही नहीं आ रहा है क्योंकि इसके तो काफ़ी फीचर्स हैं जो आपको काफ़ी इफ़ेक्टिव लगेंगे, मतलब कि जो फीचर और आपको ज़्यादा में नहीं मिलेगा जिससे आप तुरंत मतलब कि काफ़ी जैसे बेड मोड ऑन करते, ये सब की वीडियो हमने आपको पूरा पिछले वीडियो में पूरा बता दिया है। अगर आपको इसका अल्टरनेटिव लेना है तो यहीं आपका इसके नीचे सोल्यूशन मिल जाएगा, ये रहेगा आपका एक्सन डैश। ठीक है, एक्सन डैश में क्या है कि सेम उसी तरह है लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन इसमें पाया जा रहा है, मतलब कि जिनके इंस्टॉल नहीं है वो गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं डिजिटल वेलबींग को, और लेकिन जिनका जिन्होंने कहा कि नहीं हमको इंस्टॉल नहीं करना वो हमें अच्छा नहीं लगा, तो उसका अल्टरनेटिव वो ले सकते हैं एक्सन डैश करके, इसको आप ले सकते हैं। तो इसके बारे में आप पूरा बताते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे आपको उसका लेटेस्ट अपडेट वीडियो के पूरे मिलते रहें। तो ये देखते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे आप अपने डेली यूजेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे अपने स्टैटिक्स को देख सकते हैं आप कितना रोज़ यूज कर रहे हैं, वैसे सेम ये भी इसी तरह है, कुछ इसी तरह का है। इसे फोकस मोड में जो हम मेन चीज़ आते हैं स्टूडेंट के लिए, फोकस मोड में आपको क्या करना होगा, आपको उन ऐप को जैसे ये देखिए हमने क्लिक कर दिया, ये ऐप ऊपर चला गया, मतलब कि ये डिस्ट्रैक्टिंग ऐप इनको लग रहा है, तो उन ऐप को आप ऊपर रख सकते हैं। और जैसे कि कोई स्टडी वाला जैसे कैलकुलेटर आपको यूज़ करना है, कैमरा यूज़ करना है, ठीक है, तो बाकी सबको हटा के ऐसे कर देंगे, इसका टर्न ऑन कर देंगे। टर्न ऑन करते क्या हुआ कि डिस्ट्रैक्टिंग ऐप जितने हैं, जैसे कि हमने भी क्या किया था डिस्ट्रैक्टिंग ऐप में, जो सबसे मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग ऐप है आज के लोगों के लिए, ये हमने कर दिया टर्न ऑफ और ये रहा वापस टर्न ऑन। ठीक है, टर्न ऑन करने के बाद अब हमने जब क्लिक करेंगे तो हमें दिखाएगा फोकस मोड एक्टिव, तो एक तरफ से कह सकते हैं फोकस मोड एक्टिव होने के बाद आप इसको नहीं खोल सकते, कितनी बार कोशिश करेंगे नहीं खोल सकते, और तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप इसमें वहाँ से बंद नहीं कर देंगे। इसमें कोई टाइम आउट नहीं है आज के लिए, केवल फोकस मोड ऐसा कुछ नहीं, वहीं से बंद है, जब तक आप यहाँ से हटाएंगे नहीं या फिर खोलेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। तो हम एक तरफ से बंद कर देते हैं, हमें और भी चीज़ें दिखाना है। अब यहाँ पाउस ऐप इतना इफेक्टिव नहीं लगा किसी, मतलब एक तरफ से बस फालतू का चीज़ इन्होंने डाल रखा है फंक्शन बनाने का। पाउस ऐप में मैंने जैसे इंस्टाग्राम को डाल दिया है, क्लिक कर रहे हैं तो ऐप इज पाउस, तो क्या मतलब है इसका, कोई मतलब तो है नहीं, बस ऐसे इन्होंने देख रखा है नंबर बढ़ाने के लिए कि हमने ये फंक्शन देख रखा है, लेकिन कोई मतलब इसका है नहीं, आप ऐप क्यों पाउस करेंगे जो हमारे पास फोकस मोड इन्होंने फंक्शन देख रखा है। अब ये थोड़ा एक के नीचे थोड़ा काम किया जाता है जो आपका डिजिटल वेलबींग में मिल जाता था, ऐप यूज लिमिट। जैसे कि हमारा इंस्टाग्राम वापस ढूंढ लेते हैं, इंस्टाग्राम चलिए हमने 20 मिनट चलाना है, हमने चला लिया है जैसे आज, तो आज मेरा खुलेगा नहीं। इसने देखा कि यूजेज लिमिट एक्सीड, मतलब कि यूएटी, मतलब जैसे कि आज आपने अपने 12 बजे से पहले, मतलब आप 12 बजे पहले नहीं खुल पाएंगे, 12 बजे बाद रात के 12 बजे बाद ही आपका खुल पाएगा, क्योंकि आज आपने 20 मिनट देख लिया, 20 मिनट के अंदर बहुत ज़्यादा देख लिया है, तो इस हिसाब से आपका यहाँ आपका पाउस हो सकता है। पाउस क्या समझ लीजिए कि काम वही कर रहे हैं, बस नाम के अलग हैं। लिमिट आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ से आपका लिमिट हट जाएगा, तो यहाँ से आपका लिमिट हट गया है, तो आप अपना आज फिर वापस खोल सकते हैं। अब ये बात हो गई समरी में, मतलब समरी में आपने कितना क्या यूज़ किया है। फिर इसके बाद आ जाता है बगल में स्क्रीन टाइम, आपने कितना टाइम स्क्रीन में कितना किसको दिया है, आप थोड़ा बहुत ही रिलेट कर सकते हैं, करंट मतलब स्टिक इतना कुछ खास नहीं है, स्टूडेंट के लिए जो पढ़ रहे हैं उन के लिए काम आता है। अब ऐप लॉन्च, कौन सा ऐप कितनी बार लॉन्च हुआ है, ये जैसे कि कोई पेरेंट्स है मोबाइल ला के चेक कर रहा है, लाओ देखें क्या कैसे यूज किया, उस हिसाब से हम यहाँ देख सकते हैं ये। इसके बाद फिर बगल में नोटिफिकेशन में क्या है कि जैसे कि जीमेल का नोटिफिकेशन हो, तो उसको नोटिफिकेशन क्लिक करते ही आपको सिस्टम के नोटिफिकेशन ऑप्शन में आपको पहुँचा देगा, इनका कोई अलग से अपना नहीं है, ये सिस्टम के नोटिफिकेशन पहुँचाएंगे, वहाँ आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, जितने फंक्शन दे रखा है उसी हिसाब से उनका मैनेज हो पाएगा। ये हो गया इनके नोटिफिकेशन की बात। अब जो लास्ट बात आ जाती है इनके अनलॉक लॉक, मतलब फिर वही बात कि बस आप देख सकते हैं कितना अनलॉक लॉक हुआ है इस हिसाब से। तो हमें तो जहाँ तक लगता है कि उससे बढ़िया तो हमें डिजिटल वेलबींग लगता है, जो हमारा पिछली वीडियो है, अगर आप नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।